ओके सो स्टूडेंट्स, टुडे योर ड्राइंग टॉपिक इज एयर बैलून एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ अ एयर बैलून. ओके सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ टेप रोल और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके दिस लाइक दिस. आप उसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. हमें इसको बेसिक स्ट्रक्चर दिया है हमने थोड़ा सा. ओके और हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं. ओके सो दिस इज योर सर्कल विद द हेल्प, यू कैन ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ टेप रोल. ओके नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ वन सेंटर लाइन लाइक दिस. आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है. वो सेंटर लाइन थोड़ी सी कंटिन्यू होगी. यू कैन ड्रॉ इस सेंटर लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑल्सो. देन नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ करना है लाइक दिस. देन ऐसे आपको एक और ऊपर ऐसे कर्व ड्रॉ करना है लाइक दिस. ओके इसके बाद आपको ये दिख रहा है, इसमें आपको एक कर्व यहाँ से देना है लाइक दिस और दूसरा कर्व आपको यहाँ से देना है लाइक दिस और उसको आपको ऐसे यहां से मीट करना है नीचे. लाइक दिस फिर वन मोर और ऐसे ही आपको करने हैं. जो आपने ये सर्कल बनाया है आपको सर्कल की हेल्प से ही ड्रॉ करना है और आपको यहां तक ही रखना है बेटा ऐसा. ओके आप इसे थोड़ा सा ऊपर से ले सकते हो और ये एक्स्ट्रा इरेज हो जाएगा. सेम आपको यहां भी ऐसे ही करना है वन देन टू एंड लास्ट वन लाइक दिस. ओके तो ये आपकी एयर बैलून की शेप बन गई. यहाँ आपको एक डबल लाइन देनी है लाइक दिस. ओके अब उसके बाद अब हमने ये जो लाइन कंटिन्यू किया है अब हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे एक ओवल. ओके आपने ये ओवल ड्रॉ किया उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस और इसको ऐसे मीट कर देना है. ओके अब हम बनाएंगे इसमें चिल्ड्रंस, यहाँ पे छोटे छोटे चिल्ड्रंस आपको ड्रॉ करने हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले हम इस लाइन को डबल कर देते हैं थोड़ा सा और ऐसे ही यहाँ से लाइन्स आएंगी. दो लाइन्स आपको यहाँ ड्रॉ करनी है लाइक दिस और दो लाइन्स आपको यहाँ ड्रॉ करनी है लाइक दिस. ओके नाउ अब हम बनाएंगे ये लाइन आपको यहाँ तक पूरी अंदर तक लेके जानी है. अब हम बनाएंगे यहाँ पे बॉय. सबसे पहले हम बॉय बनाएंगे तो बॉय बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइन डालनी है कर्व लाइन और यहाँ से एक सी शेप देनी है सी
देन उसके बाद वो फेस ड्रॉ करना है लाइक दिस। और यहाँ से इसके हेयर्स और इसकी नेक, मेरा नेक सिर्फ इतना ही आएगी। देन उसके बाद स्ट्रेट लाइन, आपको ओवरलैप करना है पेंसिल से, आपको ओवरलैप करना है, हम बाद में इरेज कर देंगे एक्स्ट्रा लाइंस। हैंड्स ड्रॉ करना है, ये आई एम रिपीटिंग दैट ये हम ओवरलैप करेंगे। और यहाँ हमने कैमरा दिखाना है, ओके। यहाँ से कर्व लाइन थोड़ी सी, और इसको यहाँ से जॉइन कर देंगे, और यहाँ से इसकी नीचे वाला पार्ट, और इसको थोड़ा सा आप इसको यहाँ से दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ गर्ल शे गर्ल, इसके लिए आप सबसे पहले करोगे आप एक्स्ट्रा लाइन्स इरेज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले फेस लाइक दिस। सबसे पहले आपको ऐसे यू शेप में उसका फेस बनाना है, लाइक दिस। उसके बाद इसे कर्व और इसके हेयर्स, फिर उसकी नेक छोटी सी, कॉलर लाइक दिस, एंड यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से कर्व फॉर ड्रेस। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ हैंड्स स्ट्रेट देन लिटिल बिट कर्व, थोड़ा सा इसको लाइक दिस। यहाँ से लाइन एंड देन सेम ओके। यहाँ हमने इसको इसके हाथ में आपको छोटा सा पैन दिखाना है, और यहाँ यहाँ से थोड़ा सा स्केच पे, ठीक है। अब और इसके लिए आपको सबसे पहले टू आईज ड्रॉ करनी है लाइक दिस, ओके। इसके बाद यहाँ पे भी सेम एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर दी। यहाँ आपको बनाना है एक यू शेप, देन वी शेप, उल्टा वी, देन हेयर। उसके बाद आपको नेक के लिए एक यू शेप देनी है लाइक दिस, देन कर्व फॉर ड्रेस लाइक दिस, एंड आपको यहाँ भी एक छोटा सा बॉक्स टाइप बनाना है फॉर हैंड्स एंड स्ट्रेट लाइंस एंड देन लिटिल बिट कर्व। Like this,
और यहाँ से भी आपको हैंड्स देने हैं, और यहाँ पे आपको यहाँ से एक पेपर की शेप निकालनी है। Like this. Okay, so your drawing is ready now, like this. Now take a black sketch pen. First of all, you have to draw a curved lines like this. Okay, so your drawing is ready. Now I'm going to start coloring. First of all, you have to take a black sketch pen and draw outline. So first of all, you have to draw outline. Okay, like this. Draw a straight line with the help of scale. Like this. Like this, okay? Then okay, now with the help of scale again you have to draw a straight line. Now, first you have to draw a outline. Like this. Okay, like this. Then you have to draw outline very carefully. Okay, and draw outline with the help of scale here also.
Now draw outline of this also. Like this. Okay. You have to join this. And then lines. Like this. And ये आप अंदर की साइड आपको डबल्स लाइन देनी है. ओके. नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. ओके. नाउ योर आउटलाइन इज रेडी. After draw outline your drawing like complete. Now take a take a eraser and you have to erase all extra lines like this. When you erase all extra lines, your drawing will be finished. Now I'm going to start coloring. Here I'm using a oil pastel color. You can use any type of color which you want to do. Okay, so first, and you have to draw a small curve like this. Okay. Okay. So first I'm picking up red color and I'm pick curve fill here. Here I'm using oil pastel color. You can use any type of color which you have. And here I'm using red color for bottom, also for top of air balloon. Like this. And please fill color very carefully so it will be good. Okay. Okay. So now take a yellow color. Okay, take a yellow color and fill here. Like this. Thank you.
Okay, so I have to fill a yellow color. Take a orange color and you have to do a shading in bottom of air balloon like this. Like this. Okay, now take again black color and fill here. Like this. And you have to fill Now you have to fill red color here also. Okay, you have to fill here also. Okay, now start coloring here. First you have to draw lines for dress lines like this. Okay, and here I am using a purple color. You can use any type of color and you have to fill very neat and clean. Okay. Okay. Then take a blue color and you have to fill here. Okay, now take orange yellow color and fill here. You can change your color also if you want to change it for dress only, like this. And take a pink color for her dress and fill carefully. Now take a black sketch pen and you have to fill in here like this. Okay, take a dark brown and you have to fill here. Over here like this. Now take here I'm using orange and white mixing
for skin color because I didn't have skin color. But if you have a skin color, then you have to do it, okay? So I'm here using a very light or orange color for skin. You can use skin color also if you have. I'm going to light also with the help of yellow color, so it will be look like a skin color like this, okay? So your coloring will look like this. Now take a dark blue color and you have to fill here. Like this. Okay, and take a dark brown color and you have to fill here. Okay, so your air balloon drawing is almost complete. Now take a pencil again and you have to make a small clouds also like this. Okay, and take a light color and you have to fill here, and very light like this. You have to fill very light like this, okay? So now, and you have to fill very light in background also.
so it will be feel like this. So now your air balloon drawing is complete. Okay, your air balloon drawing is complete.